श्री अकाल, तुसी पंजाबिस्तान टीवी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखिंदर सिंह, मेरे नाल आल इंडिया स्वामीनाथन संघर्ष समिति दे कौमी प्रधान विकल प्रचार जी मौजूद ने। असीं गलबात करांगे कि अजकल एक किसानां दा नाल नौजवानां दा मसला काफ़ी चर्चा दे विच है। कहा जा रहा है कि कुछ किसान लीडर जिहड़े ने ओह मतलब काफ़ी वड्डी गिणती दे विच ओह नौजवानां नूं नार लेवां करन दे लई तैयार ने, जां दीप सिद्धू जां लखा सिधाणा दा ज़्यादा रौला जिहड़ा ओह दीप सिद्धू नूं लैके पैंदा, ते सिख जथेबंदियां नूं वी कहिंदे नाल रलाउण नूं तैयार ने। उहनां लोकां नूं जिहड़े जिन्हां ने 26 जनवरी दी घटना नूं अंजाम दित्ता, जां इदां कह लो एक पक्ष ओह वी है। दूजा यह कि इस नूं लैके कुछ क किसान कहिंदे, कुछ तीन चार गिणती दे किसान जथेबंदियां ने, ओह नहीं चाहुंदियां कि उहनां दा रलेवां होवे। पर आखिरकार यह रौला क्यों पै रहा, जदों के जदों घरों तुरे सी तां गल सी कि जाके खेती कानून रद्द करवाउणे ने, केंद्र सरकार दे नाल इस उत्ते बहस होनी है, इस उत्ते चर्चा होनी है। चर्चा हुई भी, पर 26 जनवरी तो पहला कुछ दिन पहला तक जिहो जिहियां घटनावां सामने आउंदियां रहियां, ते उस तो बाद जो कुछ हुंदा रहा उहदा नतीजा यह है कि पंजाब दे विच रैलियां हो रही, वड्डियां वड्डियां रैलियां नौजवानों वालों दीप सिद्धू लखा सिधाणा जां होर नौजवानों दीआं तस्वीरां लगा के कहा जा रहा है कि नौजवानों नूं नाल लैके चलो, उन्हां नूं स्टेज ते उह अधिकार दिओ जिहड़े किसान लीडरां दे कोल ने, जां उन्हां नूं अगे वी लैके जाओ सरकार दे नाल गलबात करन दे लई। की इस सब दे बारे बाकी सूबिआं दे नौजवान वी इदां सोचदे ने, राजस्थान दे, हरियाणे दे, यूपी दे, पूरे देश दा नौजवान नाल जदों कहा कि जन अंदोलन है, ते फिर पंजाब दे विच इह रौला क्यों है? विकल प्रचार जी, तुहाडा स्वागत है पंजाबिस्तान टीवी ते। धन्यवाद, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार विकल प्रचार जी, किदां देखदे हो इस रौले नूं, नौजवानां दा रौला ते किसानां दा रौला? तुसी हरियाणा तों, ते इत्थे किस तरह दी स्थिति है? जे कल नूं हरियाणे दे किसान नौजवान उठ के कहण कि सानूं वी उत्थे हक दिओ, सानूं वी नाल लैके चलो, हर सूबे तों आवाज इदां उठेगी? देखिए, पंजाब शुरू से हमने इस आंदोलन का लीडर माना, और उसके बाद आज आंदोलन चौथे महीने के अंदर दिल्ली बॉर्डरों पर आ चुका है। उसके बाद हमारे साथ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां तक कि बंगाल के सभी लोग जुड़े। उसमें उम्र का कहीं भी कोई लिहाजा नहीं है। जैसे मैं विशेष तौर पर हरियाणा की बातें बताऊं कि हरियाणा के अंदर तो पूरी तरह से किसानों की सरकार बन चुकी है। इतना हमारा तालमेल है कि हरियाणा का कोई मंत्री मुख्यमंत्री अपने चंडीगढ़ आवास से बाहर नहीं निकल सकता, ना कहीं रैली कर सकता, ना अपने लोकल आवास पर जा सकता है। यहाँ सबने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाली हुई है। अकेला पंजाब के अंदर 26 जनवरी के बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज कह लीजिए या सरकारें जो है वो हमेशा आंदोलन को खराब करने की कोशिश करती है, एक गैप कंटेन किया। उसके लिए भी जो आप कह रहे हो कि स्टेजेस पर स्थान दिया जाए, मैं टीकरी बॉर्डर को लीड कर रहा हूं, और वहां पर युवा चाहे कहीं का आए, आसाम का आए, बंगाल का आए, वो आता है, उसके पास विचार है, तो हम उसे स्टेज पर प्रॉपर टाइम देते हैं। स्टेज पर विकास भी अगर बैठा है, वहां लीड कर रहा है, तो मैं दोनों बॉर्डरों पर 7-7 दिन में एक एक दिन बोलता हूँ, वो भी जब मेरे पास कोई मुद्दा हो। हम खुद चाहते हैं कि नए विचार इस आंदोलन में जुड़े, क्योंकि ये जन क्रांति है। जन क्रांति के अंदर मैंने पहले कहा, आंदोलन होते हैं छात्रों के, आंदोलन होते हैं कर्मचारियों के, आंदोलन जिनमें एज फैक्टर होता है, ये तो जन क्रांति है। इस जन क्रांति के अंदर 2 महीने का बच्चा भी वहां बैठा है, 107 साल का बुजुर्ग भी वहां बैठा है, और आपने पंजाब में, मैं देख रहा हूं कि जो शक्ति का इस्तेमाल इकट्ठा करके करना चाहिए था, जो हरियाणा ने अब किया है, कि हरियाणा में पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत नहीं है पिछले 4 महीने से कि वो कोई रैली की अनाउंसमेंट कर सके या कोई योजना के लिए कोई भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जा सके। सभी के ऊपर टोटली किसानों की सरकार हरियाणा में चल रही है, ना पुलिस है ना सरकार है। तो अगर युवाओं को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना था, वहां मैं देख रहा हूँ होला मोहल्ला के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज भी रैली कर रही है, यानी कि एक तरफ आपने अपनी रैलियों पर जोर लगा रहे हैं और आंदोलन को कमजोर करने के लिए कोई भी किसान साथी स्टेज से, मैंने और मेरे साथी हरियाणा के जितने भी किसान लीडर्स हैं, हमने स्टेज से घोषणा करी कि आपको अपने जत्थेबंदियों के आगू से यदि कोई समस्या है, आप हम हरियाणा के साथियों से आके मिलिए, हम उस समस्या का समाधान कराएंगे। और जहां तक रही स्टेज पर बोलने की बात, स्टेज पर रोज रोज नहीं, आप अपनी शक्ति का यूटिलाइज कीजिए। युवा जो है हमारे मेन प्रेरणा स्रोत है, और ये लड़ाई सुखविंदर जी हमारी लड़ाई नहीं है। हम जो आगू लीडर हैं वो तो 10-15 साल में मर जाएंगे, हम तो लड़ाई ही अगली नस्ल के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इस नस्ल को हमने बहुत लाड प्यार से पाला है। ये लोग ना तो कर्जा चुका पाएंगे, ना ही अंबानी अडानी की नौकरी कर पाएंगे। इसलिए पंजाब के युवाओं को कह रहा हूं कि नजर मछली की आंख पर होनी चाहिए। ये पुरानी कहावत है, अगर आप पूरी मछली देखोगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे, यदि आपको आंख को छेदना है। तो हमें ये बुजुर्ग युवाओं के आपस के मतभेद, ऐसा कोई मतभेद ही नहीं है, वोटर्स के ऊपर
हर एक लीडर्स की हम जो जत्थेबंदियों में ड्यूटी लगी, आपने बंगाल जाना है तो उनमें से कोई ये नहीं कह सकता मैं बंगाल नहीं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी राजस्थान पंचायत की लगी तो मैं ये उसमें जवाबदेह ही नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी देश के सबसे बड़ी जन क्रांति के अंदर हम लोगों के ऊपर कंधों के ऊपर बहुत सबसे ज्यादा है कि कहीं भी आंदोलन कमजोर ना हो। इसलिए ये युवाओं का मैटर, मैं फिर से युवाओं को कहना चाहता हूं, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए कि पंजाब की जो अहमियत इतिहास के अंदर जो रोल लिखा जाएगा इस जनक्रांति का, निश्चित तौर पर यह जनक्रांति जीतेंगे। तो उसके अंदर मैं चाहता हूं कि जो पंजाब का नाम स्वर्णिम अक्षरों में पहले नंबर पर लिखा जाना चाहिए वो दूसरे या तीसरे नंबर पर ना आए, उसके अंदर किसी विवाद की चर्चा ना हो। आप सभी लोग अपनी ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। अब 23 तारीख को जो हमने शहीदी दिवस का प्रोग्राम बना रखा है, वो शहीदी दिवस किसके लिए है? भगत सिंह का शहीदी दिवस बड़ी मजबूती से बॉर्डरों पर मनाया जाएगा, तो उसके अंदर पंजाब का युवा आए स्टेज पर बोले, हम में से कोई भी बुजुर्ग नेता नहीं बोलेगा और कोई भी लीडर नहीं है। सुखविंदर जी आप ये बताइए कि आप कितने 40 लीडर्स में से कितने लोगों को जानते हैं? उसके बाद जो हमारी 100 की कमेटी है कितने लोग हमें जानते हैं? 500 की कमेटी है कितने लोग हमें जानते हैं? ये विदाउट फेस का आंदोलन है, जन क्रांति है, ये फेस चमकाने का आंदोलन नहीं है। इसमें यदि किसी को वहम हो कि इस आंदोलन से नेता बनकर निकलेगा, कोई भी नेता बनकर नहीं निकलेगा। जैसे मैं खुद की बात करूं, पहले दिन से हम 27 नवंबर से वहां बैठे हैं। कल रात को घर के अंदर कोई दिक्कत आ गई जिसके कारण मुझे रात को आना पड़ा, लगातार 117 दिन के बाद मैं घर घुसा हूं। तो फेस का आंदोलन नहीं है, हम नहीं चाहते विकल्प प्रचार का नाम इस आंदोलन के बाद याद रखा जाए। ये आंदोलन सिर्फ इसलिए याद रखा जाए कि पूरी देश की जनता, जिसके साथ 55 देशों के लोग और जुड़ गए। आप अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं, आपके साथ इंग्लैंड खड़ा है, पोलैंड खड़ा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी संसदों में आपकी चर्चा होगी, यूएन के अंदर आपके आंदोलन पर चर्चा हुई। तो इस प्रकार युवा हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, आपसी मतभेद भुला लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, किसी जत्थेबंदी का आंदोलन नहीं है। दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं कि जत्थेबंदी के लीडर्स जो हैं वो इस आंदोलन को हाईजैक करने की बात कर रहे हैं, मैंने रजेवाल साहब, दल्लेवाल साहब, सरसा साहब ने लगातार पिछले 17 सालों से साथ काम किया पूरे देश के किसान संगठनों ने मिलकर, लेकिन हम 5,000 लोग भी दिल्ली के अंदर इकट्ठा नहीं कर सके कभी भी। ये तो जमीन से जो गुस्सा उत्पन्न हुआ किसानों के अंदर, वो गुस्सा जो है वो ग्राउंड पर आया है, ये किसी जत्थेबंदी का या किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। और उसके बाद भी यदि किसी साथी को शिकायत है, आप जब भी लड़ाई लड़ेंगे सुखविंदर जी, तो वो पूरे रूल रेगुलेशन से लड़ी जाती है कि जैसे फौज आपकी बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने की कर जाए और उसमें मेजर ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद जवान सवाल करने लग जाए कि मैं इस लोकेशन पर नहीं दूसरी लोकेशन पर जाऊंगा और वहां मेरी वैल्यू नहीं है, तो क्या वो लड़ाई जीती जाएगी? जब हमारी फाइट सरकार के साथ सीधी है तो जो भी आपको जिम्मेवारी दी जाए आपके कमांडर्स के द्वारा, वो जिम्मेवारी ले, क्योंकि कमांडर्स के ऊपर बोझ जो है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीत या हार का सारा जो इल्जाम है वो आगू साहिबान पर जाएगा। अगर कहीं भी आंदोलन में कमी आई, जिस प्रकार हरियाणा में लोग लीडर्स को माफ नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को, अगर हमारे से इस आंदोलन में कहीं भी गलती होती है तो जनता हमें अपने गांवों में, अपने घरों में नहीं घुसने देगी, हमारी उस पर सामाजिक हत्या भी हो जाएगी और हो सकता है कि लोग गुस्से में हमारी हत्या भी कर दे। इसलिए युवाओं से, फिर से मैं पंजाब के साथियों के युवाओं को कहना चाहूंगा, आप हमारे प्रेशर को देखिए, हम कितना प्रेशर दे रहे हैं, और ओपन सभी को, आप भी मैं कहता हूं जो कह रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिल रही, आप टिकरी बॉर्डर पर आइए, आप संधू बॉर्डर पर आइए, हरियाणा के लीडर साहिबान के अलग से टेंट लगे हुए हैं, हरियाणा किसान मोर्चा, वहां आकर अपनी बात रखिए, लीडर साहिबान को, आपके लीडर साहिबान को भी साथ में बिठाया जाएगा, लेकिन इस प्रकार के मतभेद अपनाकर इस आंदोलन को कमजोर ना करें। पर विकल जी, जिस तरीके दे नाल नौजवानों का इल्जाम है कि उन्होंने विचार जिहड़े ने, जिवें हुण कई इहो जिहे ने जिहड़े वख विचार रखते ने, उह तुसीं जिवें देखिया कि खालिस्तान का मुद्दा भी काफ़ी उभरिया, तो इहो जी विचारधारा जिहड़ी है वह किसान लीडरां नूं कामरेड कहा जाता है कि कामरेड ही विचारधारा वाले ने, यह सिख विचारधारा नहीं अपनाउंदे। जिवें पहला राजेवाल साहब का बयान सामने आउंदा रहा, वह कहिंदे रहे कि इत्थे झंडे नहीं लगने चाहीदे। की लगता नहीं कि किसान लीडरां नूं इस तरह पहला, मतलब कि जे आपां दूजा पक्ष भी देखिए तो इस तरह की बयानबाजी जिहड़ी है वह नहीं सी करनी चाहिए, जिहदे नाल जिहड़ा वह एक जिहड़ा वह धड़ा है उहदे विच गुस्से की लहर ना होवे, ताकि मिल के सारयां नूं नाल लैके चलना चाहीदा सी। मैं तो पहले दिन तो इस आंदोलन में कह रहा सीगा भी ये किसी जाति धर्म का आंदोलन नहीं है। हमारे स्टेज से जब हम कहते थे कि आप सत श्री अकाल बोले, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह बोले, तो वहां जय श्री राम भी बोले, वहां अल्लाह अकबर भी बोले, ताकि आप फिर से उस मुद्दे की तरफ जा रहे हो। क्या इस आंदोलन को हमने सिर्फ पंजाब का आंदोलन बनाना है? अगर ये पंजाब का आंदोलन बनता तो आप लोग पंजाब में तो 3 महीने पहले लगातार बैठे थे, सरकार ने आपकी सुनवाई करी, कभी बातचीत के लिए बुलाया। इस आंदोलन को सुखविंदर जी पूरे देश का रूप देना है, और देश का क्या, आप तो इंटरनेशनल लेवल आ चुका है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सारे आपके पक्ष में खड़े हैं,
ਜਿੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਸੇ ਗਾਂਵ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਰਮ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਸੇ ਏਕ ਗਿਲਾਸ ਲੱਸੀ ਔਰ ਏਕ ਗਿਲਾਸ ਦੂਧ ਉਸ ਡਰਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਏਕ ਗਿਲਾਸ ਲੱਸੀ ਔਰ ਉਸ ਏਕ ਗਿਲਾਸ ਦੂਧ ਡਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਸਦ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਹਮ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੇਂਗੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਸੇ ਯਦਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਵੀ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਫੀਟ ਹੋਗੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰਾ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪਰ ਖੜਾ ਹੁਆ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੇ ਛਾਤੀ ਬਿੜਾਏ ਖੜਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਬੰਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਏ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਨੂੰਗਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇ ਦੁਆਰਾ 26 ਸੇ ਲੇਕਰ 28 ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੀਏ ਗਏ ਉਨ ਫੈਸਲੋ ਮੇ ਵਾਕਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਨਵਦ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਕੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇ ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਆ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦਾ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੈਸਾ ਰਹਿਬਰ ਆਜ਼ਮ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਹਮਨੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਪੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਦੀ ਤੋ ਆਪਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਾਥੀਓ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਾ ਕਭੀ ਆਪਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਭੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਭੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇਨ ਫੋਟੋਆਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋ ਹਮੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਪੜ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਭੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਕੇ ਕਭੀ ਹੁੱਡਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਕੇ ਯੇ ਫੋਟੋ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੋ ਉਸੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕ ਜਾਏ ਲੱਖਾ ਸਿਡਾਣਾ ਕਾ ਚਮਕ ਜਾਏ ਰਜੇਵਾਲ ਕਾ ਚਮਕ ਜਾਏ ਔਰ ਹਮ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਮੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਯੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਰਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਜਨਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਗੋਡ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋ ਗੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਉਸਕੋ ਹਮ ਲੋਕ ਗੋਡ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨੋ ਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਕੀ ਕਮੀਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਾ ਸਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹੀ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੜੀਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦੀ ਤੋ ਉਸ ਪਾਵਰ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਝੇਲ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀਓ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਣੇ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਤੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਤਾ ਥਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਹੋਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾਓ ਕੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾ ਜਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਆਂਖ ਨਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗਰਦਨ ਨੀਚੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਨਾਮ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਉਨ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਜੈਸਾ ਕਮਾਓ ਅਗਰ ਯੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ ਤੋ 2022 ਮੇ ਆਪਕਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੇ ਵਰਕਰ ਬਣੀਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਟਿਕਟ ਲੀਜੀਏ ਵਹਾਂ ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਈਏ ਬੈਨਰ ਲਗਾਈਏ ਯੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲੋਂ ਨਸਲੋਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਮੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਥਾ ਤੋ ਉਸਮੇ ਏਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਆਤਾ ਥਾ ਭਾਰਤ ਕਾ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 4 ਪੇਜ ਕਾ ਬੜਾ ਚੈਪਟਰ ਥਾ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਔਰ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆਤੀ ਤੋ ਆਜ ਵੋ ਮੌਕਾ ਹਮੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਬ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਜਬ 8ਵੀਂ ਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਮੇ ਹੋਣਗੇ ਤੋ ਏਕ ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਆਏਗਾ 2020 ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਏਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਕਰ ਹਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਮੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹਾ ਥਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਰਾਜਨੇਤਾਓਂ ਕਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੁਆ ਥਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹਾ ਥਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਥੀ ਆਪ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫੇਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਬ ਹਮ ਬੁੱਢੇ ਹੋਗੇ
तो उनकी भी पोतियां जब होंगी तो वो कहेंगी किताब के अंदर, दादाजी आप उस समय जिंदा थे, बाकी लोगों की तो फोटो आई हुई है, दादाजी आपकी फोटो क्यों नहीं आई? तो आपको अपनी तीसरी पीढ़ी के आगे सारी उम्र शर्मिंदा होकर जीना पड़ेगा। तो फोटो वो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं कि इतिहास के स्वर्णियम पन्नों के अंदर आपकी फोटो होना चाहिए। ये जो बैनर के ऊपर, पोस्टर के ऊपर आपने संयुक्त मोर्चा के स्टेज के पीछे के होर्डिंग्स देखे, आपको किसी व्यक्ति विशेष की फोटो नजर आई आज तक? सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा। जितनी भी हमारी रैलीज महापंचायत होती है उसमें कुछ लोगों ने गलतियां करने की कोशिश करी, कहीं टिकैत साहब की फोटो लगाई, कहीं रजेवाल की, तो हमने उन लोगों को कहा कि ये फेस शाइनिंग का आंदोलन नहीं है। अगर आपने हमारे प्रोग्राम रखने हैं तो हम में से किसी भी लीडर की फोटो नहीं होनी चाहिए। तो युवा साथियों, ये चेहरा चमकाऊ आंदोलन नहीं है। पूरे जोर शोर से आपको जो भी खताएं हैं, मेरे से संपर्क आप संयुक्त मोर्चा विकल्प 50 टिकरी बॉर्डर पर संपर्क कर सकते हैं। सुरेश कोथ हमारे साथी हैं हरियाणा से, जो कि सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके गिले शिकवों का टाइम नहीं, गिले शिकवे तुहानू पंजाबी दसदा भी विआह च रिश्तेदार रुस जाते ने, रोला करते ने, पर जदों परिवार ते कोई अटैक करता है उस टाइम रुसण का टाइम नहीं होता, उस टाइम कट्ठे होके उस मुकाबला करने का टाइम होता है। ते ए टाइम साडे मतभेदां दा टाइम नहीं है, ए टाइम है भी असीं यूनाइट होके इस तानाशाह नूं हराइए ते अपने हक लैके वापिस मुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विकल जी, हुण मेरे ध्यान विच आ रहा सी कि किद्दां देखदे हो, कि लगदा है कि इहदे पिछे कोई सियासी मनशा, कोई पोलीटिकली एजेंडा कोई चल रहा है, जां कोई उधरों मोटीवेट किया जा रहा है कि अंदोलन नूं खराब करन दे लई लीडरां नूं जिहड़ा वार वार किया जा रहा है कि तुसीं माफ़ी मंगो, तुहानूं माफ़ी मंग लैणी चाहीदी है, तुहानूं इस तरह बयानबाजी नहीं सी करनी चाहीदी नौजवानां दे खिलाफ, जां इह इह की लगदा है कोई पोलीटिकली कुछ चल रहा है पिछले पासे, कोई प्रोपोगंडा इहो जिहा क्रिएट हो रहा है? डेफिनेटली, चाहे अंग्रेजों का टाइम देखिए, राजा का टाइम देखिए, जब भी प्रजा ने बड़े आंदोलन किए तो उनको तोड़ने के लिए राजनीतिक शक्तियां उनके पीछे लगी। यहां मैं कहता हूं युवा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है और शोल्डर से अब वो थोड़े कम है, दिमाग क्योंकि मैच्योर नहीं हो पाता। तो हमने आंदोलन के स्टार्ट में ही कहा था कि मैच्योरिटी प्लस यूथ, एनर्जी प्लस मैच्योरिटी की पावर का इस्तेमाल करके हम इस सरकार को हटा सकते हैं। फैसले लेने में मैच्योर पर्सन आगे रहेंगे और उसको लागू करने में, क्योंकि यूथ के अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है, वो कर सकेगा। डेफिनेटली पंजाब के अंदर 2022 इलेक्शन के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, अपने अपने चेहरे कोशिश की जा रही है कि एक चेहरे को विशेष तौर पर चमका के और उसका हम पॉलिटिकल फायदा उठाएं। ये तो निश्चित तौर पर है सुखविंदर जी, हरियाणा में ऐसा रोड़ा क्यों नहीं हो, बंगाल के अंदर हम चुनाव में गए वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत सिर्फ पंजाब के अंदर। मैं साथियों कहना चाहता हूँ, चुनाव आज से पहले बहुत होते रहे लेकिन किसान को फायदा हुआ क्या? चाहे बादल परिवार चाहे कांग्रेस परिवार, सेंटर में भी ये लोग रहे लेकिन किसानी लगातार नीचे आती रही। ये जो आपका समय है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा आंदोलन सुखविंदर जी क्लियर कट कहता हूं कि हजारों साल पहले नहीं हुआ और हजारों साल बाद में नहीं होगा। अगर हमने हमारी गलतियों के कारण अगर यहाँ हार हो गई तो लोगों की छोड़िए, हम खुद को अपने आप को मरने तक माफ नहीं कर पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी की नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए युवा साथियों, इन राजनीतिक सावधान रहिए और अपनी अपनी ड्यूटी लीजिए, काम कीजिए। जी शुक्रिया विकल्प चार जी, धन्यवाद समा देने लिए। धन्यवाद जी। सो मेरे नाल पंजाबिस्तान टीवी ते मौजूद सन किसान लीडर विकल्प चार। नौजवानों एक खास सुनेहा जिहड़ा उह दित्ता गया, नौजवानों नूं समझना चाहिए कि आखिरकार मसला की है, खेती कानूनों का मसला है, उन्होंने रद्द करवाने का मसला है, होर कोई गल नहीं, कोई लीडर बनने की गल नहीं, कोई सियासत करने की गल नहीं, सिर्फ तो सिर्फ खेती कानूनों रद्द करवाना, इसे समझना चाहिए ता ही जिहड़ा वो सरकार दे नाल लग्या मत्था शायद वह सफलता के पासे जाए। इजाजत दिओ, अपने विचार कमेंट जरूर करो, धन्यवाद।